की सारी फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का सीधा दखल यानी कि सीधा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है। फिल्म की कास्टिंग हो, गाने हो, संगीत हो, अंडरवर्ल्ड डॉन के मन मुताबिक ही होते थे। अंडरवर्ल्ड की फिल्मों में अंडरवर्ल्ड की फंडिंग होने लगी। इस दखल से किसी को एतराज होने पर धमकी दे दी जाती थी। अगर कोई एक्टर कहता था हमें दिक्कत है, हम नहीं करी, कुछ भी होता था तो सीधा धमकी दे देते थे डॉन। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की पार्टियों में बॉलीवुड की कई सारी हस्तियों ने शिरकत करना शुरू कर दिया। बड़े से बड़ा कलाकार डॉन की महफिलों में रौनक बढ़ाने के लिए पहुंचता था। एक्टर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर अंडरवर्ल्ड के संपर्क में रह रहे थे। उस दौरान 80 से 90 के दशक की बात बता रहे हैं। एक वक्त था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहा था और 6 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं उन डॉन्स की जिनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। कौन कौन? हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अबू सलेम। ये वो बड़े डॉन्स हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट 80 से 90 के दशक में खास करके रहा। इनकी पार्टीज होती थी तो बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां वहां पर रौनक जमाने के लिए भी जाती थी। और यही डॉन वो लोग हैं जो कि धमकी देते थे जब इनके मन मुताबिक काम नहीं होता था। और अब आपको देश में अंडरवर्ल्ड का इतिहास बताते हैं। भारत में अंडरवर्ल्ड की एंट्री 1960 से 70 के दशक में हुई। 1960 से 70 के दशक तक 3 डॉन मुंबई में राज करते थे जिसमें हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन शुरुआती डॉन थे। मुंबई में तीनों डॉन के इलाके आपस में बटे हुए थे। ये इसका इलाका है और ये उसका इलाका है। तीनों एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते थे। सबका काम अलग था, इलाके बटे थे। तीनों के बाद में अंडरवर्ल्ड की कमान दाऊद इब्राहिम ने संभाली। 1993 के मुंबई अटैक का अहम मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम ही था। कई आतंकी संगठनों और ISI से दाऊद का सीधा कनेक्शन रहा है। 1993 के धमाकों से पहले ही दाऊद मुंबई से दुबई चला गया था। इसके बाद बड़ा राजन, छोटा राजन, अबू सलेम जैसे नाम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सामने आए। तीनों का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम की गैंग से रहा है। अब गुलशन कुमार की हत्या में अबू सलेम का नाम सामने आया था कि इस व्यक्ति ने गुलशन कुमार की हत्या की। 1993 के बाद अंडरवर्ल्ड कोई बड़े हमले को अंजाम नहीं दे सका क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर अजित पवार का बयान अब सामने आया। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर विश्वास नहीं, अजित पवार ने कहा जल्द पता चलेगा कि कौन इस घटना के पीछे है। 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ लोगों से पूछताछ जारी। अजित पवार ने कहा कि पुलिस की 5 टीमें मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हम उन परिवार के उनके साथ में खड़े हैं, अजित पवार ने कहा है। तो कल बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है और इस हत्याकांड के पीछे भी अंडरवर्ल्ड का साया बताया जा रहा है। अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन के साथ में भी पुलिस जोड़ रही है इस पूरे घटनाक्रम को। फिलहाल अजित पवार का इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर बयान सामने आया। जो घटना हुई बंबई में वो हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है, लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी ये बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। यहाँ बम्बई में उन्होंने कॉरपोरेटर के नाते भी शुरू में काम किया 10 साल और उसके बाद कांग्रेस के एक MLA के नाते भी उन्होंने 1999, 2004, 2009 ऐसे 3 टर्म वो चुनाव जीत के आए। बहुत अच्छा असेंबली में भी उनका काम था, मैंने खुद देखा। मिनिस्ट्री में भी वो थे, मिनिस्टर में उनका काम बहुत अच्छा होता था। जो भी उनका डिपार्टमेंट है उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी करके लोगों को कैसी मदद हो सकती है इसके बारे में वो ज़्यादा ध्यान देते थे। और कल जो बात, जो घटना हुई है वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं 2 लोग और भी कुछ लोग हैं, उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। तो देखिए अजित पवार के बयान को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं, शूटर्स को पकड़ा भी गया है, अलग अलग एंगल्स के साथ में जांच की जा रही है, परिवार वालों के साथ में भी उनकी मुलाकात हुई है, पुलिस की 5 टीमें मामले की जांच में लगाई गई है जो कि हर एक एंगल के मद्देनजर जांच को अंजाम दे रही है, परिवार के साथ हम खड़े हैं। ये बात अजित पवार के द्वारा कही गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर अजित पवार का बयान आप सुन रहे थे। कल उनको गोलियों से शूट आउट करके
मौत के घाट उतार दिया गया और उसी को लेकर फिलहाल लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही है। अंडरवर्ल्ड के साथ में एक तरफ जहां कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, वहीं एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास 22 श्रेणी की सुरक्षा थी। 15 दिन पहले उनको धमकी दी गई थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया था। बीती रात पटाखों की आवाज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और इस बीच एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा दें, बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड से जुड़ी हुई एक खबर। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर सियासत गरमानी शुरू हो गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर महबूबा मुफ्ती का पोस्ट सामने आया है। वो पोस्ट क्या है, ये भी हम आपको बता दें। हत्या के बारे में सुनकर स्तब्ध और दुखी हूं, महबूबा मुफ्ती ने कहा। वायु सुरक्षा के बावजूद दिन दहाड़े ये सब हो गया, तो सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ में, महबूबा मुफ्ती ने यह बात कही है। सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े किए गए, बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ जहां पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां जांच पड़ताल में जुट गई है, वहीं सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और लगातार खबरों का सिलसिला रही फिल्मों में। अंडरवर्ल्ड का सीधा दखल यानी कि सीधा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है। फिल्म की कास्टिंग हो, गाने हो, संगीत हो, अंडरवर्ल्ड डॉन के मन मुताबिक ही होते थे। अंडरवर्ल्ड की फिल्मों में अंडरवर्ल्ड की फंडिंग होने लगी। इस दखल से किसी को एतराज होने पर धमकी दे दी जाती थी। अगर कोई एक्टर कहता था हमें दिक्कत है, हम नहीं करी, कुछ भी होता था तो सीधा धमकी दे देते थे डॉन। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की पार्टियों में बॉलीवुड की कई सारी हस्तियों ने शिरकत करना शुरू कर दिया। बड़े से बड़ा कलाकार डॉन की महफिलों में रौनक बढ़ाने के लिए पहुंचता था। एक्टर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर अंडरवर्ल्ड के संपर्क में रह रहे थे। उस दौरान 80 से 90 के दशक की बात बता रहा है। एक वक्त था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहा था और 6 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं उन डॉन्स की जिनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। कौन कौन? हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अबू सलेम, ये वो बड़े डॉन्स हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट 80 से 90 के दशक में खास करके रहा। इनकी पार्टीज होती थी तो बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां वहां पर रौनक जमाने के लिए भी जाती थी। और यही डॉन वो लोग हैं जो कि धमकी देते थे जब इनके मन मुताबिक काम नहीं होता था। और अब आपको देश में अंडरवर्ल्ड का इतिहास बताते हैं। भारत में अंडरवर्ल्ड की एंट्री 1960 से 70 के दशक में हुई। 1960 से 70 के दशक तक 3 डॉन मुंबई में राज करते थे, जिसमें हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन शुरुआती डॉन थे। मुंबई में तीनों डॉन के इलाके आपस में बटे हुए थे। ये इसका इलाका है और ये उसका इलाका है। तीनों एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते थे, सबका काम अलग था, इलाके बटे थे। तीनों के बाद में अंडरवर्ल्ड की कमान दाऊद इब्राहिम ने संभाली। 1993 के मुंबई अटैक का अहम मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम ही था। कई आतंकी संगठनों और आईएसआई से दाऊद का सीधा कनेक्शन रहा है। 1993 के धमाकों से पहले ही दाऊद मुंबई से दुबई चला गया था। इसके बाद बड़ा राजन, छोटा राजन, अबू सलेम जैसे नाम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सामने आए। तीनों का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम की गैंग से रहा है। अब गुलशन कुमार की हत्या में अबू सलेम का नाम सामने आया था कि इस व्यक्ति ने गुलशन कुमार की हत्या की। 1993 के बाद अंडरवर्ल्ड कोई बड़े हमले को अंजाम नहीं दे सका, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर अजित पवार का बयान अब सामने आया। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर विश्वास नहीं, अजित पवार ने कहा है। जल्द पता चलेगा कि कौन इस घटना के पीछे है। दो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ लोगों से पूछताछ जारी। अजित पवार ने कहा कि पुलिस की 5 टीमें मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हम उन परिवार के उनके साथ में खड़े हैं, अजित पवार ने कहा है। तो कल बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है और इस हत्याकांड के पीछे भी अंडरवर्ल्ड का साया बताया जा रहा है। अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन के साथ में भी पुलिस जोड़ रही है इस पूरे घटनाक्रम को। फिलहाल अजित पवार का इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर बयान सामने आया। जो घटना हुई बंबई में वो हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है, लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी ये बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। यहाँ बम्बई में उन्होंने कॉरपोरेटर के नाते भी शुरू में काम किया 10 साल, और उसके बाद कांग्रेस के एक एमएलए के नाते भी उन्होंने 1999, 2004, 2009 ऐसे 3 टर्म वो चुनाव जीत के आए। बहुत अच्छा असेंबली में भी उनका काम था, मैंने खुद देखा। मिनिस्ट्री में भी वो थे, मिनिस्टर में उनका काम बहुत अच्छा होता था। जो भी उनका डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी करके लोगों को कैसी मदद हो सके इसके बारे में वो ज़्यादा ध्यान देते थे। और कल जो बात, जो घटना हुई है, वो घटना
आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। दो लोगों को उनके हाथ में लगे हैं दो लोग, और भी कुछ लोग हैं उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। तो देखिए, अजित पवार के बयान को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं, शूटर्स को पकड़ा भी गया है, अलग अलग एंगल्स के साथ में जांच की जा रही है, परिवार वालों के साथ में भी उनकी मुलाकात हुई है। पुलिस की 5 टीमें मामले की जांच में लगाई गई है, जो की हर एक एंगल के मद्देनजर जांच को अंजाम दे रही है। परिवार के साथ हम खड़े हैं, ये बात अजित पवार के द्वारा कही गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर अजित पवार का बयान आप सुन रहे थे। कल उनको गोलियों से शूटआउट करके मौत के घाट उतार दिया गया, और उसी को लेकर फिलहाल लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही हैं। अंडरवर्ल्ड के साथ में एक तरफ जहां कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, वहीं एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास 22 श्रेणी की सुरक्षा थी। 15 दिन पहले उनको धमकी दी गई थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया था। बीती रात पटाखों की आवाज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और इस बीच एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा दें, बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड से जुड़ी हुई एक खबर। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर सियासत गरमानी शुरू हो गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर महबूबा मुफ्ती का पोस्ट सामने आया है। वो पोस्ट क्या है, यह भी हम आपको बता दें। हत्या के बारे में सुनकर स्तब्ध और दुखी हूं, महबूबा मुफ्ती ने कहा। वायु सुरक्षा के बावजूद दिन दहाड़े ये सब हो गया, तो सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ में, महबूबा मुफ्ती ने यह बात कही है। सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े किए गए, बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है, वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ जहां पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां जांच पड़ताल में जुट गई है, वहीं सियासत से जुड़ी यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।